मुगल शासक बाबर हिंदुस्तान का नहीं था, यहाँ राज करने आया था, लेकिन देश की सेकुलर राजनीति के कर्णधार उस बाबर के लिए आज भी झंडा बुलंद करते हैं। पर हिंदुस्तान के उस बाबर के लिए आज न संवेदना के दो शब्द हैं और न ही आंख में दो बूंद आंसू, जिसको लेकर दावा है कि उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो बाबर बीजेपी का था। कुशीनगर के कटघराई गांव के इस मुस्लिम टोले में सन्नाटा पसरा है। रविवार को ही यहां बाबर अली को सुपुर्दे खाक किया गया। ऐसा मंजर कम ही दिखता है जब एक मुस्लिम को बीजेपी विधायक कंधा दे रहा हो, लेकिन बाबर की तो जान ही उसके बीजेपी प्रेम ने ले ली। जोरदार पत्थरबाजी बाबर के ऊपर की गई, उनके घर की स्थिति सारी कहानी बयां कर रही है। देखिए, ये घर के छत की तरफ जाती सीढ़ियां हैं और बाहर से अगल बगल से इतने पत्थर मारे गए कि पूरा जो टीन है वो टूट गया। आप देखिए, ऊपर का टूटा हुआ मलबा सब यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, पड़ा हुआ है। वो ईंटे के बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए हैं जिनसे हमला किया गया था। देखिए, ये पत्थरबाजी और उसके बाद जो कुल्हाड़ी है उससे हमला किया गया, जब वो इस दरवाजे को बंद करके छत पर छिपे हुए थे। कुल्हाड़ी से हमला करके छत में तोड़कर लोग अंदर घुसे, पहले मारा और फिर यहाँ से उठा के फेंक दिया। पूरा खून है, कोई पौनर रहा है ऊपर नीचे, बेहोश हो गए ना गिरते साथ। जब घर में भाग के गए नहीं तो घर में गए, उठा खुशी चढ़ के कोठा फेंक दिया ना को मार के। बाबर को पीटा गया, उस पर पत्थर फेंके गए, लहूलुहान बाबर को उसके घर की ही छत से नीचे फेंक दिया गया। क्या जुर्म था बाबर का? क्या ये कि एक मुस्लिम होते हुए उसे बीजेपी पसंद थी, या फिर मुस्लिम होते हुए वो बीजेपी का प्रचार कर रहा था, बीजेपी की जीत पर मिठाई बांट रहा था, पटाखे चला रहा था? क्या लोकतंत्र ये कहता है कि पार्टी चुनने का आधार धर्म है? मुस्लिम टोले में रहने वाले पट्टीदारों को यही लगा, पहले धमकी दी, लेकिन जब 20 तारीख को उसने जय श्री राम का नारा लगा दिया तो इलाके के लोगों को ये नागवार गुजरा। हैरानी इस बात की कि बाबर पर पहला बार इलाके की महिलाओं ने किया। 10 मिनट के अंदर कहानी खत्म हो गई। यहाँ मारे सब, और यहाँ मारने के बाद से वो अपना जान बचाकर किसी तरह भाग रहा था। अंदर गया तो वो चोड़ा उड़ा के किसी तरह छत से सोचा गया सुदीन के छत से मैं बाहर चला जाऊंगा, तो वहाँ से पथराव जम कर किए वो लोग, उसका सर फट गया, वहीं गिर गया और वहाँ से उठा के सीधे डायरेक्ट नीचे फेंक दिए सर। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस वारदात के बाद पूरा इलाका खाली हो गया है। आरोपियों के घरों में ताले लटके हैं। ये ताला लगा हुआ है मैडम, गुम्मे भी फैले हुए हैं, ईंटे पत्थर। ये किसका घर है? इन्होंने भी हमला किया। अजमुल्ला, इन्होंने भी हमला किया। हाँ, यही किया था। ये एक और घर है, इस पे भी ताला है। ये किसका घर है? इन्होंने भी हमला किया था। ये छोटे लाल मोहम्मद है, इन्होंने भी हमला किया था। इसके ठीक सामने, आपके घर के सामने एक और घर दिखाई दे रहा है मुझे, इस घर में भी ताला लगा हुआ है। ये किसका घर है? ये बेचू के, ये नहीं, ये हम लग पहले धमकी दिया है। अभी जो घर दिखाई दे रहे हैं आसपास के, उन सब घरों पर लगा हुआ है ताला। लोग, कुछ लोग दहशत के कारण भी छोड़ के गए हैं, पर ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमला किया था, और हमले के बाद जब तफ्तीश शुरू हुई है, मामला बड़ा हो गया है, तो उसके बाद अपने घरों को छोड़कर भागे हैं। बाबर की जान पर खतरा तो उसी दिन से था जब से उसने बीजेपी का प्रचार शुरू किया था। बाबर को धमकियां मिल रही थी। उनके परिवार और साथियों का कहना है कि अगर पुलिस कार्रवाई करती तो बाबर जिंदा होते। बोले कि हम दरखास्त दिए हैं थाने पे DM साहब को, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, हमारे जान का खतरा है, सब लोग धमकी दे रहे हैं। बाबर की हत्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। CM कार्यालय ने ट्वीट किया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। मांग करता हूं कि बाबा बुलडोजर का उपयोग करते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने हत्या के पीछे बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। हमेशा मुसलमानों को ही के साथ मॉब लिंचिंग हुआ है, उन्हीं को मारा गया है। इस वक्त भी अब मैं नहीं कह सकता कि भाई उसके दिल में क्या था या उसने क्या रोल अदा किया है। बहरहाल मुसलमान तो शायद बीजेपी को वोट देना पसंद करता नहीं। कई चीज़ें उसमें आ रही हैं, पारिवारिक विवाद की बातें भी आ रही हैं, जमीन के भी विवाद की बात आ रही है। क्यों ये घटना घटी है, इसकी जांच करनी चाहिए। हत्या सिर्फ बाबर की नहीं हुई, कटघरई में हत्या हुई उस लोकतंत्र की जो हर नागरिक को अपनी मर्जी की विचारधारा, पार्टी और नेता चुनने की आजादी देता है, और इस आजादी पर कोई भी धर्म की पाबंदी लगाए तो फिर लोकतंत्र के
मायने ही खत्म हो जाते हैं। कुशीनगर के कटघरही गांव से संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।